आप जन जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हो, वहां पे आप सेलेक्ट नहीं होते हो। नाउ यू स्टार्ट जनरलाइजिंग दैट यू ऑलवेज फेल इन इंटरव्यूज। इन फैक्ट लेटर दिस जनरलाइजेशन मे बिकम ब्रॉडर एंड यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू फेल इन एवरीथिंग जस्ट बिकॉज यू फेल इन फ्यू इंटरव्यूज। आप चंद पॉलिटिशियन से मिलते हो जो करप्ट है, देन यू स्टार्ट जनरलाइजिंग दैट द ऑल पॉलिटिशियंस ऑफ योर कंट्री आर करप्ट। एक बार आपने आपके पेरेंट्स से झूठ बोला है और उस बिना पे आपके पेरेंट्स ने ये जनरलाइजेशन कर दिया कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो। जनरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग समथिंग वेरी स्पेसिफिक एंड देन अप्लाइंग इट मोर ब्रॉडली। जनरलाइजेशन के वर्ड्स पहचानना बड़े सिंपल है। जब आप जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उनमें ये लफ्ज आप ज्यादा यूज कर रहे हो, लाइक ऑलवेज, एवरी टाइम, एवरीवन, नो वन, नेवर, एक्सेट्रा, तो समझ लेना चाहिए कि यू आर जनरलाइजिंग अ लॉट। आई ऑलवेज फेल, माय पेरेंट्स नेवर ट्रस्ट मी, ऑल पॉलिटिशियंस एवरी टाइम आर करप्ट। दिस अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ जनरलाइजेशन। Now before we go ahead and watch the further video, it's very important that you pause the video, take a paper and pen and note down minimum 3 generalizations that you have made in your life. Because if you want to know the secret of effective communication, it is very important that we are aware of these 3 filters, and the first filter is generalization. जनरलाइजेशन की सबसे मजेदार बात यह है कि वंस यू हैव सम जनरलाइजेशन इन योर लाइफ, आप आपकी पूरी जिंदगी उसके एतराफ रखते हो। यू होल्ड योर जनरलाइजेशन इवन व्हेन यू गेट सम कॉन्ट्ररी एविडेंस अगेंस्ट इट। फॉर एग्जांपल, इफ माय जनरलाइजेशन इज आई एम नॉट केपेबल ऑफ गेटिंग जॉब्स, नाउ व्हेन आई गेट अ जॉब एक्चुअली द इमीडिएट इन्फॉर्मेशन विच माई ब्रेन गिव्स मी इज ये वाला तो लक से मिल गया। बिकॉज ओनली विद दिस इन्फॉर्मेशन एंड दिस इंटरप्रिटेशन then my brain will stick to the generalization which I have made, that is I'm not capable of getting jobs. For a change, suppose आपके parents ने अचानक आप पे भरोसा दिखाने की कोशिश की या दिखाया, now how your brain will interpret this information? इनका क्या फायदा है आज, इतना क्यों भरोसा दिखा रहे हो, जरूर इनका कोई काम होगा। So that with this interpretation, आपकी जो generalization है that my parents never trust me, ये intact रहता है। One fine day the politician arrives into your area, पूरा garden develop करके देता है, लेकिन आपका brain interpret कैसे करेगा उस information को कि जरूर election नजदीक है, इसको vote bank चाहिए, इसके लिए ये इतना सब कुछ कर रहा है, otherwise he is corrupt। क्योंकि जब तक आप ऐसे meaning नहीं लगाओगे, आपकी जो generalization है या all politicians are corrupt, ये बनी नहीं रहेगी। So that's how generalization works and that's how distortion comes. What is distortion? Exactly, keeping a store your generalization the way they are. ऐसी कोई भी information आती है जिससे आपके generalization को धक्का पहुंचे, आपका brain उस information को distort करता है, and that's our second filter which we call as distortion. Distortion, this is a process by which we alter our own perceptions. It is basically to protect our generalizations. डिस्टॉर्शन का काम ही ये है कि वो हमेशा जो कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेन ले रहा है उसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करेगा कि जो हमारा जनरलाइजेशन है उस इवेंट को लेके, उस शख्स को लेके, उस एक्सपीरियंस को लेके वो बना रहा है। मजे की बात यही है, हमारा दिमाग हर हाल में अपने जनरलाइजेशन की हिफाजत करता है अलग अलग फिल्टर्स यूज करके, एंड वन इज डिस्टॉर्शन। What is deletion? Deletion is a process where your brain selectively pays attention to a particular part of an experience and it selectively excludes the remaining part. Like suppose example, movie चल रही है, movie देख रहे हो आप theater में हो और अचानक से एक बच्चा रोने लगता है. Now few people in the theater will be able to focus on the voice of the movie which is going on the theater, and some will be able to delete the voice of the child crying. Whereas कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनका पूरा focus बच्चा रो रहा है उस पे रहेगा और उनका brain movie में जो भी चल रहा है वो delete करेगा. That's the example of deletion. Not a very simple example of deletion is right now आप ये video देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मुझे गौर से देख रहे हो और पूरा अटेंशन आपका मेरी आवाज पे है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके कमरे में पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं है, कुछ ना कुछ और आवाज फॉर श्योर आपके कमरे में चल रही है, पर आपका ब्रेन वेरी इजीली वो बाकी सारी आवाजें डिलीट करके सिर्फ मेरी आवाज सुना। यहाँ तक कि अभी आप जिस चेयर पे बैठे हो उस चेयर का भी एक टेक्सचर है जो आपका बॉडी फील कर रहा है। आपने जो शर्ट पैंट जो भी पहना है उसका टेक्सचर आपकी बॉडी फील करी है, बट राइट नाउ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज डिलीटेड सो दैट योर ब्रेन फोकसेस ऑन व्हाट आई एम टेलिंग, लिसन विद कंप्लीट अटेंशन, पे अटेंशन टू व्हाट इज गोइंग ऑन द स्क्रीन। सो दैट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ डिलीशन।
टू समराइज, हम लोगों ने अब तक क्या देखा, सुना या समझा, बाहर दुनिया में एक इवेंट होता है, हमारा ब्रेन 5 सेंसेस के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर लेता है. ओके, नाउ द इवेंट वाज एन एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन. मेरे ब्रेन ने जब इंफॉर्मेशन थ्रू सेंसेस अंदर ली तो बट नेचुरली ये 3 फिल्टर्स थे, डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन. इन फिल्टर्स के थ्रू जब इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन में आ रही है तो क्या वो सेम रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रह सकती, बिकॉज टू इंडिविजुअल परसीविंग अ सेम इवेंट, अगर एक ही इवेंट दो इंडिविजुअल्स देख रहे तो दोनों का डीबीजी अलग है, दैट इज डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन. तो एक्सटर्नल इवेंट भी सच्चाई है, आपके ब्रेन ने उस इवेंट का जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाया वो आपकी सच्चाई है. सो ये दो सच्चाई सेम हो सकते हैं? नहीं, कोई सही है कोई गलत है, नहीं. इट इज ओनली हाउ योर ब्रेन हैज इंटरप्रेटेड, हाउ योर ब्रेन हैज गिवन द मीनिंग टू दैट इवेंट, टू दैट एक्सपीरियंस, इज व्हाट इज योर मैप नाउ एंड विच इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन व्हाट योर ब्रेन डिलीट्स, व्हाट योर ब्रेन डिस्टॉर्ट्स एंड व्हाट योर ब्रेन जनरलाइजेस. Why understanding this deletion, distortion and generalization is so important? Because it is important, as what we create the map in our brain, the internal representation, is the subjective reality. And what has happened externally is an objective reality. It may or may not be same. We just need to be aware that nothing is right or wrong. Kuch sach ya jhoot nahi hai. It is all about what meaning you give to the event, how your brain has interpreted, how your brain has deleted, distorted or generalized. Awareness is the key to communication. And when I say communication, it is never only communication with someone else. आप खुद से कैसे बात communicate कर रहे हो, वहाँ पे भी आप क्या delete कर रहे हो, क्या distort कर रहे हो, क्या generalize कर रहे हो, it matters a lot. अगर कोई शख्स है जिस जो आपको शिद्दत से प्यार कर रहा है लेकिन उससे गलती हो गई, you can give a command of deleting that mistake. कोई शख्स है जिसने बहुत शिद्दत से आपका दिल दुखा दिया है लेकिन आप कोशिश कर रहा है कि आपका दिल वापस से जीते, सो देयर योर ब्रेन विल डिस्टॉर्ट, नहीं भैया इससे दूर रहो. सो बी अवेयर व्हाट यू आर डिलीटिंग, व्हाट यू आर डिस्टॉर्टिंग एंड व्हाट यू आर जनरलाइजिंग, बिकॉज ओनली देन यू विल हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एंड दैट वॉज all in this video. Do stay tuned and do watch the next part, the last and the third and a final part of how to communicate effectively.